और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के साथ ही ईडी हाईकोर्ट पहुंची है। ईडी को राशन भ्रष्टाचार मामले में दस्तावेज में गड़बड़ी होने की अब आशंका है और इसी के साथ दस्तावेजों को नष्ट होने की भी उसको खबर है और ऐसे में डर है, जिसको लेकर अब वो हाईकोर्ट पहुंची और ईडी ने चीफ जस्टिस डिविजन बेंच से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की और ईडी ने मांग की है कि जरूरत पड़ने पर अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई की जाए। ईडी ने मुख्य न्यायाधीश सचिवालय को आवेदन सौंप दिया है। तो ईडी शाहजहां शेख के खिलाफ अब पहुंच चुकी है हाईकोर्ट और ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला यहां पर लिया जा सकता है, क्योंकि ईडी का शिकंजा अब शाहजहां शेख पर कसता जा रहा है और बीजेपी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर बंगाल की ममता सरकार पर बड़ा हमला किया। बीजेपी ने कहा कि ईडी और सीबीआई न गिरफ्तार कर सके, इसलिए गिरफ्तारी के जरिए आरोपी को प्रोटेक्शन दिया गया है। बीजेपी ने कहा कि शेख शाहजहां को देखकर कहीं नहीं लग रहा कि वो गिरफ्तार है। तो ऐसे में ये तस्वीर भी आप देखिए और इसी को लेकर अब निशाने पर ममता सरकार को बीजेपी ने लिया है, क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि इस तस्वीर को देखते हुए कहीं से भी नहीं लग रहा कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले बीजेपी लगातार दावे कर रही थी कि जल्द ही शाहजहां शेख गिरफ्तार हो जाएगा। शाहजहां शेख इससे पहले फरार था। 5 जनवरी को सब कुछ शुरू होता है जब ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंचती है उनके कई ठिकानों पर, लेकिन वो वहां से फरार हो जाते हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि संदेश खाली का आरोपी शाहजहां शेख पहले से ही पुलिस के पास था, वो पुलिस के संरक्षण में था। कोर्ट के दबाव के बाद पुलिस ने मजबूरी में उसकी गिरफ्तारी दिखाई है। तो ये बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी की ओर से, बीजेपी की ओर से, जहां पर उन्होंने ये कहा कि पहले से ही वो पुलिस प्रोटेक्शन में था। जो बार बार बातें सामने आ रही थी कि फरार चल रहा है शाहजहां शेख, आखिर वो कहां है, उसको ढूंढने के लिए तमाम कवायदें हो रही थी, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी एक अलग दावा लेकर सामने आए हैं। उन्होंने ये कहा कि वो पहले से ही पुलिस प्रोटेक्शन में था, लेकिन अब दुनिया को दिखाने के लिए ये अरेस्ट उसका यहाँ किया गया। अरे भाई, अरेस्ट नहीं है, आप लोग भ्रम पैदा कर रहा है। ए, उनका कस्टोड संरक्षण में था, कल पिछले नाइट 12 बजे, डे बिफोर यस्टरडे नाइट 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फलता भेजा गया, उसका बाद मेरा एक सैंडल में सब आ गया, उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजी पाड़ा घर में लेकर गया, उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट शोन किया। इट्स ए अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एवं एश्योर्ड बाई दी ममता सरकार कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको 5-स्टार फैसिलिटी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी तब हुई है जब हाईकोर्ट का पूरा दबाव आया और हाईकोर्ट के दबाव के 2 दिन के अंदर अंदर वो गिरफ्तार हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये टीएमसी की सौजन्य से 55 दिन उसको नहीं पकड़ा गया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये टीएमसी की लीडर है, ये टीएमसी की संरक्षण में रहा है, उस समय भी रहा जब संदेश खाली को लूटा जा रहा था, उस समय भी रहा जब एफआईआर दर्ज हुआ और उसको गिरफ्तार होना था, उस समय भी टीएमसी संरक्षण में रहा। तो टीएमसी का जो असली चेहरा है वो बिल्कुल स्पष्ट सामने आया।